नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के सुखाबाद रेलवे स्टेशन का फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन यादव ने निरीक्षण किया। सांसद के पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने स्टेशन पर काफी देर तक रुककर ऑफिस से लेकर सभी की बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूछताछ की। यहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। स्थानीय लोगों ने नीमखेरिया पर अंडरपास बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि अंडरपास नहीं होने से करीब 2 दर्जन गांवों के नागरिकों को निकलने में परेशानी है। इसके अलावा सांसद ने पानी की समुचित व्यवस्था, साफ सफाई तथा शौचालय का भी निरीक्षण किया, जिस पर सांसद ने साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त की। ट्रेनों के आवागमन एवं अन्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 22 अप्रैल को रेलवे की बैठक होगी, जिसमें समस्याओं को रखा जाएगा। इस मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज। कार्यक्रम निरीक्षण रहा, क्या रहा है? ऐसा है, 22 तारीख को उसकी रिक्वायरमेंट है स्टेशन होगी वो ले लिए, तो गर्मी का मौसम है, ऐसी सुविधा रहेंगे, पानी बिजली बैठने की व्यवस्था और अन्य कोई कमी तो नहीं है, ये जानने के लिए दौरा किया है। और ये जो कमियां पाई हैं उनको यह बैठक में रखूँगा और बैठक के अधिकारियों से कहूँगा इतिहास के लिए प्रयोग किए। सांसद जी, कई गाड़ियां जो सुखाबाद पर स्टॉपेज था लेकर जो कोरोना काल से बंद हो गई हैं, उन गाड़ियों का फिर स्टॉपेज शुरू करा दिया जाए तो बहुत जनता की सुविधा रहेगी। मैं ये लिस्ट रखूंगा और उनसे कहूंगा कि विकास एक या नीम खेरिया पर वो अंडरपास की समस्या है, जो चुनाव पर बहिष्कार भी रहा था, लोग परेशान रहते हैं, करीब 2 दर्जन गाँव हैं, वो अंडरपास बन जाए तो काफ़ी लोगों को फायदा होगा। आप प्रस्ताव लाइए, मैं रखूँगा और ये बनाया जाए।